आसान है। चलिए तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। मैरिटाइम जोन उनकी जो क्लासिफिकेशन है तीन बेसिस पे हम करेंगे। वन इज मॉर्फोलॉजिकल जोन्स, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। सेकंड इज बैथमेट्रिक। बैथमेट्रिक क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ ओशन बेड कि वहाँ पे जो फीचर्स हैं वो वैरायटी होती है, तो उस एस्पेक्ट से। एंड दिस इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन की जो ईज करने के लिए, लाइक फॉर द कन्वीनियंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कि होता क्या है, श्रीलंका और इंडिया बाउंड्री है कोई बीच में? बाउंड्री है विच इज इनविजिबल, लाइक चंडीगढ़ और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा की मुझे बाउंड्री बताइए कहां पे है, दिखती है? तो ये वो चीजें कि डिसाइड की गई हैं कि दिस इज द बाउंड्री। किस लिए डिसाइड की गई? टू अवॉइड एनी कंफ्लिक्ट। और अब न्यूज सुनते हैं न्यूज़पेपर में, अब उसको रिलेट कीजिए, क्या फ्यू इंडियन फिशरमैन वर कॉट बाय श्रीलंकन नेवी, इंडियन नेवी कॉट पाकिस्तानी फिशरमैन, ये अक्सर आती होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी हुई, उनको नहीं पता कौन सा इंटरनल वाटर है, कौन सा टेरिटोरियल वाटर है, कौन सा इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो कहां जाना उनको नहीं पता। दूसरा, जब आप ओशन के अंडर है, दिस इज नॉट डीमार्केटेड, जब डीमार्केशन नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे? अगर आप जा रहे हैं तो जा रहे हैं। लाइक आपने सुना होगा एक वर्ड आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर आपने कभी सुना हो तो। सुना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से क्रॉस करता है? आपने कभी क्रॉस किया, जाके देखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से क्रॉस कर रहा है कि ये जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? पर इंडिया में मार्क किया हुआ है उसको, ये बता देता हूं मैं आपको, जहां से क्रॉस करता है वहां पे मध्य प्रदेश में जो मार्क लगाया हुआ कि यहां से क्रॉस करता है, पर एक्चुअल में दिखता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखते हैं तो है, बस ये भी भगवान दिखता है ना, तो ये भी है बट हमें नहीं पता है। चलिए अब मॉर्फोलॉजिकल जोन कौन से हैं, जो ये हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल जोन हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जन्स हैं, ठीक है। मार्जन का मतलब इसी में शेल्फ आ जाएगी, इसमें स्लोप आ जाएगा, इसमें राइज आ जाएगा, इसी में सब कुछ आ जाएगा। एबिजल प्लेन्स, ये मार्जन्स हैं, फिर ये प्लेन्स हैं, एबिजल प्लेन्स। उसके अलावा जो फीचर्स आपको सर्फेस ऑफ अर्थ पर नजर आते हैं, अर्थ क्रस्ट पर नजर आते हैं, रिजेस हैं, ट्रेंचेस हैं, वो सब वहाँ पर आपको नजर आने वाली हैं। तो ये क्या मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग है, उसकी जो शेप बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, दिस इज वन एस्पेक्ट। बैथीमेट्रिक जोन, बैथीमेट्रिक को दो एस्पेक्ट से देखते हैं। वन इज लाइट के एस्पेक्ट से कि अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट कहां तक जाती है। यू नो कि लाइट जो है इट कैन पेनिट्रेट अप टू सर्टेन डिस्टेंस, अप टू सर्टेन डेप्थ। ओशन बेड पे लाइट जाती है कि नहीं जाती? कुछ होगा 200 मीटर 300 मीटर उसके बाद लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी। तो जहां तक ये पेनिट्रेट करती है दैट इज कॉल्ड फोटिक जोन, और जहां नहीं करती है दैट इज कॉल्ड अ फोटिक जोन। वो डार्क होगा, कोल्ड एरियाज होंगे। तो जब हम कल बात कर रहे थे अप वेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, ऊपर वार्म वाटर था, कोल्ड वाटर कहां से आ रहा था? दैट वाज द अफोटिक जोन, जहां पे लाइट नहीं आ रही है, क्योंकि वार्म कैसे होगा वाटर? बिकॉज ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ सन रेडिएशन या सन लाइट, सन रेज उससे होगा। जहां नहीं है तो वो कोल्ड रहेगा, दिस इज अनदर थिंग। तो आज बड़ा आसान सा है, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। यहां पे सन लाइट नहीं है, डेप्थ है। डेप्थ में क्या है? वन इज लिटोरल, सेकेंड इज नेरेटिक एंड पेलाजिक। लिटोरल जो टाइड्स के बीच का एरिया है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, ये दोनों क्या किया गया, एक डिस्टेंस ले लिया, एक डेप्थ ले ली 100 फैथम, उससे ऊपर दैट इज नेरेटिक, उससे नीचे वाले पेलाजिक। और ये कौन से होते हैं? ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एरियाज हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ऑलवेज शैलो। कॉन्टिनेंट शेल्फ का जो एरिया होगा कभी डीप नहीं होगा, तो इट मींस वो नेरेटिक एरिया में होगा, वो पेलाजिक नहीं होगा। इस इमेज से ज्यादा क्लियर मुझे लगता है आपको हो जाएगा। अगर ये जोन है, दिस आर लिटोरल जोन, जो इंटरटाइडल जोन है लिटोरल, जो ये एरियाज है कहां के, शेल्फ तक के, ये हैं नेरेटिक जोन्स। पेलाजिक जोन्स जो डीप सी के हैं,